स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर्टिकल 2.3 स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फिजिक्स में बहुत क्वांटिटीज ऐसी होती हैं कि अगर हम उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दें तो बात क्लियर हो जाती है। जैसे 5 केजी शुगर्स 10 सेकेंड या 15 सेकेंड्स समथिंग। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी सिर्फ हम न्यूमेरिकल वैल्यू बताएं और बात क्लियर हो जाए, ऐसी वैल्यूज़ को, ऐसी क्वान्टिटीज़ को कहा जाएगा स्केलर क्वान्टिटीज। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन है। इसके बरक्स ऐसी क्वांटिटीज जिनके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उनकी डायरेक्शन भी बतानी पड़े, किस डायरेक्शन में, जैसे फोर्स है उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ती है, साथ मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, इसी तरह टॉर्क उसकी भी डायरेक्शन वगैरह बतानी पड़ती है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। तो और साथ में हमें उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बतानी पड़े, तो ऐसी क्वान्टिटीज को वैक्टर क्वान्टिटीज कहा जाता है, ये इनकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो मोशन से रिलेटेड है, जिनमें एक पोजीशन है। जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं कि वो किस पोजीशन पे है या मैं किस पोजीशन पे, आप किस पोजीशन पे हैं, तो ये भी मोशन से रिलेटेड ही एक टर्म है। इसको मतलब पढ़ते हैं, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन। दूसरी जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इनका डिफरेंशिएट भी आता है, इन दोनों को हम करेंगे। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट। मींस किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, लेट्स सपोज ए एंड बी, इनके दरमियान जो जितना भी फासला होगा यहाँ से यहाँ तक, इस अगर पाथ को फॉलो करेंगे तो ये जो फासला होगा ये इसका डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, इसके बरक्स अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मींस इसमें हम दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखेंगे। ठीक है, इस पाथ को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट दो टर्म्स हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड आप जनरली यूज करते हैं एक लफ्ज, इसका द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी कि एक टाइम के हिसाब से अगर कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो उसकी स्पीड कहलाए। मैथमेटिकली अगर देखें तो स्पीड इज इक्वल होती है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन, और ये इसका फार्मूला। और ये भी आपने देखना है कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका यूनिट क्या है, ये भी याद रखना है आपने। नेक्स्ट एक टर्म है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल्स मे बी, यानी कि वो एक मखसूस वक्त में इक्वल फासला जो है वो तय करे तो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं, जैसे कोई बॉडी है वो पहले 10 मिनट में फासला तय करती है 15 किलोमीटर। ठीक है, और अगले 10 मिनट में फिर 15 किलोमीटर, और इसी तरह सो ऑन। तो इसका मतलब है वो बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है।